योगी जी को अच्छे हैं, कर्मठ हैं, झाड़ू हैं, अच्छे डिसीजन अच्छा लगते हैं, फैसला अच्छा करते हैं। मोदी को देखना, आप बताइए। योगी को जी सर, उन्होंने काम बहुत अच्छा किया है अपने कार्यकाल में सर, हिंदू परिषद के लिए और साफ सफाई अभियान जितना हो गया और सब तमाम चीज़ें सर, बहुत अच्छा अच्छा काम किया है। योगी आदित्यनाथ, ये तैयारी है 2030 की, 2030 की तैयारी चल रही है अभी, लोगों को समझ में नहीं आ रहा लेकिन कुछ टाइम के बाद समझ में आ जाएगा, 2030 की तैयारी चल रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्यारा भारत। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, इस समय हम खड़े हैं बनारस के लंका पे। आइए जनता से जानते हैं कि यहाँ की जनता जो है किसे मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहती है। सर आप बताइए, मुख्यमंत्री आप लोग किसे देखना चाहते हैं? आदित्यनाथ, उनका कार्यकलाप अच्छा है, कार्य अच्छा करते हैं। मैंने हम अभी वोट ही नहीं देते, हम एमपी के हैं, एमपी सीवी। मुझे सीएम योगी आदित्यनाथ का कार्यकाल अच्छा लग रहा है, हालांकि हम तो हैं एमपी के, फिर भी जो देखने में आता है, क्योंकि यहाँ बनारस आते हैं, इलाहाबाद जाते हैं, तो बेहतर व्यवस्था है, इसलिए अपन देखेंगे वही आए तो बेहतर है, पहले से बेहतर व्यवस्था है, देख बिल्कुल निसंदेह। आप बताइए सर, मुख्यमंत्री आप लोग किसे देखना चाहते हैं? मुख्यमंत्री तो हम लोग आदित्यनाथ योगी को ही देखना चाहते हैं, क्योंकि उनका काम सब बढ़िया लग रहा है, सब बनारस का भी स्वभाव बहुत अच्छा है, और हर चीज़ माफिया पापिया सब उनके राज में, गुंडा राज सब भी खत्म हो चुकी है, ये सब काम तो बहुत अच्छा है। और अखिलेश यादव का जो पिछला कार्यकाल था उसकी तुलना में सही लग रहा है? नहीं, अखिलेश यादव का तो कार्यकाल था, लेकिन सबसे बेहतर इन्हीं का लग रहा है। आप बताइए सर, मुख्यमंत्री आप लोग किसे देखना चाहते हैं? योगी बाबा, योगी है, उनका हिंदुत्व के नाम पे जो है, उनका जब से वो आए हैं तब से हिंदू लोग का जो है लग रहा है कि भारत में हिंदू देश है। हाँ सर, सबसे पहले जो अखिलेश यादव का शासनकाल था, उनका शासनकाल सही था लेकिन गुंडा राज उसमें ज़्यादा था। हाँ, वहाँ पे कोई भी मंत्री विधायक चला जाता था, कोई भी मंत्री विधायक के पास जनता जाता था, वहाँ पे भगत धर्मत जाती थी, कोई मंच पे कोई किसी का माइक छीन लेता था, गुंडा राज मैंने उसमें कायम था बस। हाँ, आइए और लोगों से हम लोग जानते हैं कि वो किसको मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। वी आर नॉट फ्रॉम इंडिया, नेपाल से। हम नेपाल से। नेपाल से है। अच्छा, ये बताइए आप, बनारस आप लोग घूमने आए हैं, कैसा आपको लग रहा है बनारस? अच्छा है। मोदी जी कैसे लगते हैं? अच्छे हैं। मोदी जी अच्छे हैं। हाँ, एकदम। आइए हम लोग और लोगों से जानते हैं कि क्या कहना उनको, मुख्यमंत्री किसको देखना चाहते हैं यहाँ की जनता। सर ये बताए, जो यूपी में चुनाव हो रहा है, मुख्यमंत्री आप लोग किसे देख रहे हैं? अब अभी क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है? योगी आदित्यनाथ, अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी, अभी समय योगी जी ठीक चल रहे हैं। योगी जी ठीक चल रहे हैं, नहीं दोबारा आना चाहिए। और क्या आप बताए सर, जो कह रहे हैं भैया उचित कह रहे हैं, बीजेपी का शासन इसमें अच्छा चल रहा है और आगे भी अच्छा चलाएंगे लोग, जो भी हो सकता है पूरा कर रहे हैं, रिंग रोड से लेकर ओवर ब्रिज तक बनवा रहे हैं हर जगह, जो बना सकता है वो पूरा हो रहा है, काशी विश्वनाथ मंदिर बना है, विंध्यवासिनी धाम बन रहा है, अति उत्तम व्यवस्था है उनका जी। हाँ, वो भी अच्छे हैं जी। हाँ, लेकिन इसमें फिलहाल योगी अच्छे चल रहे हैं। हाँ, ये बताइए मुख्यमंत्री जो है आप लोग किसको देखना चाहते हैं? योगी जी को अच्छे हैं, कर्मठ हैं, झाड़ू हैं, अच्छे डिसीजन अच्छा लगते हैं, फैसला अच्छा करते हैं, बस ये एक रोज़गार नहीं दे रहे हैं युवाओं को, थोड़ा हम लोग में यही नाराज़गी है और सब ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है, रोज़गार पेपर पे है, ज़मीन पे नहीं है, ठीक है। योगी आदित्य नारायण। ये और जनता से हम लोग जानते हैं, आप बताइए चाचा, मुख्यमंत्री आप लोग किसको देखना चाहते हैं? कहाँ? हाँ, उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह को। मुलायम सिंह को देखना चाहते हैं? मुलायम सिंह तो बनेंगे नहीं। हाँ, अखिलेश बनेंगे।
योगी जी का काम नहीं ठीक लग रहा है। योगी जी का काम हमें नहीं ठीक लग रहा है, इसलिए कि जो है सब झूठा जो है ज़्यादा यहाँ कर रहे हैं, झूठ बोलते हैं ज़्यादा, वो काम कम हो रहा है, झूठ ज़्यादा बोल रहे हैं, समझ रहे हैं ना। अभी तक देखिए लोग कहते हैं कि घर घर लाइन देंगे, अभी तक देखिए हमारा इतना उम्र हो गया, अभी तक लाइना हमें नहीं दिए सर, अभी आज तक लाइटर नहीं दिए, क्यों वोट हम उनको दें? अगर लाइट लाइट देते तो हम उनको जो है वोट देते। क्या योगी जी बेस्ट हैं यूपी के लिए, युवाओं के लिए रोजगार दे रहे हैं, जैसे हम लोग फिजिकल एजुकेशन के बच्चे हैं, उनके इंजीनियरिंग में अभी 3-4 एग्जाम हो गया कंटिन्यू, सबका ज्वाइनिंग भी हो गया, अभी हम लोग का 3 महीने के अंदर पेपर भी 2-7 अगस्त को हो रहा है, तो सबसे अच्छा है। और खासकर हम लोग स्वर्ण है तो भाजपा सरकार हम लोग के लिए 10% आरक्षण दी है, सबसे बड़ी बात है, अलग संवैधानिक अधिकार दी है, और सबसे बड़ी बात यहाँ पर जो यूपी में इतने दंगा होता था, ये सब चीज़ें क्राइम कंट्रोल है सबसे बड़ा, अगर क्राइम कंट्रोल रहेगा तो हर कोई सुरक्षित रहेगा, सबसे बड़ा ये रीज़न है। आइए और लोगों से, हम लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में, सर ये बताइए जो उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाला है, मुख्यमंत्री आप लोग किसको देखना चाहते हैं? नरेंद्र मोदी को, मोदी को, मोदी योगी, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री योगी होना चाहिए, हर चीज़ की सुविधा है, हर चीज़ का हाँ काम बढ़िया चल रहा है। हाँ जी क्या हो गया? हाँ, आइए और जनता से हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कि जो उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव हो रहा है, यहाँ के लोग मुख्यमंत्री किसको देखना चाहते हैं? आप लोग बताइए सर, कहाँ से आप लोग? का भाई बनारस लोकल रहने वाले। मुख्यमंत्री किसको देखना चाहते? भाई जो है वो यही रहेगा। जी बढ़िया काम कर रहे हैं, बिल्कुल अच्छा काम कर रहा है। अब सब तसल्लुक तो होता नहीं है, आपके पास अगर 10 काम है तो घर पे अगर परिवार में तो कोई ज़रूरी थोड़ा ही है कि 10 के 10 हो जाए, कोशिश कर रहे हैं, 5 साल में और क्या लीजिएगा। हाँ हमारे लिए काशी के लिए ठीक है, ये तो हम लोग का भाग है कि जो प्रधानमंत्री जो है हमारे यहाँ का सांसद जी है, हाँ उस हिसाब से बनारस बहुत बेटर है, बहुत बेटर है। योगी जी भी सब ठीक बोले यही। हाँ आइए और जनता से हम लोग जानते हैं, सर ये बताइए जो अभी विधानसभा चुनाव हो रहा है, मुख्यमंत्री आप लोग उत्तर प्रदेश का किसको देखना चाहते हैं? उनसे बतिया लीजिए। आइए कुछ दुकान वालों से हम लोग जानते हैं, कुछ लोग हाथ जोड़ ले रहे हैं कि नहीं बोलना है उनको, लेकिन आम जनता है, जनता से हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कि किसको मुख्यमंत्री यहाँ की जनता देखना चाहती है। सर ये बताइए जो विधानसभा चुनाव हो रहा है, कैमरा कहाँ है आपका? विधानसभा से काम मतलब काम, मोदी खाना बनेंगे कोई और? ठीक। आइए और जनता से हम लोग जानते हैं कि मुख्यमंत्री यहाँ की जनता किसको देखना चाहती है। सर ये बताइए जो विधानसभा चुनाव अभी होने वाला है, मुख्यमंत्री आप लोग किसको? योगी आदित्यनाथ को, बहुत अच्छा विकास किया हमारे एथी में, हमारे सारी उम्मीदों पर खड़े उतरे, और युवा वर्ग चाहती है कि फिर से उन्हीं की सरकार बने। जी आप बताइए सर। हम नहीं बताएंगे। आप नहीं बताएंगे। आइए और जनता से जानते हैं, आप लोग थोड़ा रुकिए तो आइए। हाँ आगे बढ़ते हैं इन लोगों से आगे जानते हैं। मैडम ये बताइए जो विधानसभा का चुनाव अभी होने वाला है, मुख्यमंत्री आप लोग किसको देखना चाहती हैं? मुख्यमंत्री आप लोग किसको देखना चाहते? योगी जी को, मोदी को, मोदी को, मोदी को, मोदी को देखना। आप बताइए। योगी को, योगी को। जी सर उन्होंने काम बहुत अच्छा किया है अपने कार्यकाल में सर, हिंदू परिषद के लिए और साफ सफाई अभियान जितना हो गया और सब तमाम चीज़ें सर, बहुत अच्छा अच्छा काम किया है। यस सर, लेकिन सर उनकी डिसमोटिवेट एक ही रहा है सर कि सर स्टूडेंट के बारे में सर नहीं सोच रहे हैं, स्टूडेंट के बारे में सर नहीं सोच रहे हैं, सबसे बड़ा सर डिसमोटिवेट उनको अभी है, अभी के लिए इस साल पूरा कार्यकाल में यही है सर,
पूरे 5 साल में सर कोई वैकेंसी नहीं क्लियर की, कितने बच्चे ओवर एज हो गए होंगे सर? सर सिर्फ बोल रहे हैं ना, आप भी जान रहे हैं ना कितना पुलिस दिए ही हैं, आप भी जान रहे हैं, वही पुलिस ही दिए ही हैं, आप भी जान रहे हैं सर कितना हुआ है, ये बहुत बताने की कोई ज़रूरत नहीं सर, इसको सब जानते हैं, पूरा देश जानता है सर। आप बताइए सर क्या बताएं, देख देंगे तो योगी को ही। बढ़िया, ये हम लोग और जनता से जानते हैं कि वो मुख्यमंत्री किसको देखना पसंद करेंगे इस बार। सर आप बताइए, जो उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव हो रहा है, सर आप बताइए जो उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव हो रहा है, मुख्यमंत्री आप लोग कोई भी आए हम नहीं जानते ये सब, बस जो अभी फिलहाल में है वो ना आए। हाँ, योगी आदित्यनाथ, ये तैयारी है 2030 की, 2030 की तैयारी चल रही है अभी, लोगों को समझ में नहीं आ रहा लेकिन कुछ टाइम के बाद समझ में आ जाएगा, 2030 की तैयारी चल रही है, ठीक है, 2030 की तैयारी चल रही है, चल रही है। आप बोलिए सर, आप बताइए, आप बताइए सर, मुख्यमंत्री आप तो किसको देखना चाहते हैं? भाई हमारे हिसाब से तो योगी जी ठीक है, हमारे हिसाब से तो योगी जी ठीक है, योगी जी ठीक